हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एंड सीआईटी वेलिडेटेड चैनल में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, आईटीआई और वेल्डेड ट्रेड के बारे में बताऊंगा। दोस्तों क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या कितने नंबर चाहिए आपको, ठीक है, इसमें पास होने के लिए। और दोस्तों और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को सिंपल सा आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे जो भारत सरकार द्वारा डीजीटी द्वारा दोस्तों आईटीआई कोर्स कराया जाता है, ठीक है। तो आईटीआई कोर्स दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म होती है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो जो आईटीआई की फुल फॉर्म होती है ये होती है दोस्तों। आईटीआई में जो है दो प्रकार की ट्रेड होती है, जैसे कि एक होती है हमारी एनसीबीटी और एक होती है एससीबीटी, ठीक है दोस्तों। एक एनसीबीटी होती है और एक एससीबीटी होती है। एनसीबीटी दोस्तों नेशनल लेवल पर कराया जाता है, यानी पूरे भारत में आप जाके काम कर सकते हैं। और एससीबीटी जो होता है स्टेट लेवल पर होता है, जो सिर्फ अपने ही राज्य में आप वर्क या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप मेरी राय मानिएगा तो ये एनसीबीटी ट्रेड ही चूज़ कीजिएगा, ठीक है। ना मिले दोस्तों मजबूरी में आप ये ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप एनसीबीटी ट्रेड ही लें, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं। आईटीआई में जो है कई तरह की ट्रेड होती है, जैसे दोस्तों आपकी 2 ईयर की ट्रेड होती है और 1 ईयर की ट्रेड होती है, ठीक है। 2 ईयर की ट्रेड और 1 ईयर की ट्रेड होती है, ठीक है। दोस्तों 2 ईयर की ट्रेड जो होती है टॉप जो ट्रेड जो मानी जाती है, और दोस्तों फिटर और इलेक्ट्रीशियन जो होती है वो ट्रेड टॉप ट्रेड में मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों टॉप ट्रेड क्या होती है, जो दोस्तों ज़्यादा वैकेंसी आती है, ज़्यादा जॉब लगने के चांसेस होती हैं, तो दोस्तों टॉप ट्रेड में माने जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों 1 ईयर के ट्रेड में जो टॉप ट्रेड में आते हैं वो दोस्तों होते हैं वेल्डर, और दोस्तों एक हो जाता है हमारा कोपा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आपकी 1 ईयर में टॉप ट्रेड में मानी जाती हैं, और ये है आपकी 2 ईयर में टॉप ट्रेड मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप 10वीं पास हैं और आप आईटीआई करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए 2 ईयर ट्रेड में फीटर और इलेक्ट्रीशियन बेस्ट है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने 10वीं भी पास कर ली, 10th भी आपने पास कर रखी है, और दोस्तों आपने 12th भी पास कर रखी है, और दोस्तों आपने शायद ग्रेजुएशन या बीए वगैरह कर रहे हैं, तो वो भी आपने कर रखी है कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए 1 ईयर की ट्रेड जो है बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो 1 ईयर की ट्रेड में आपके लिए वेल्डर या कोपा आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, हम जानेंगे सिर्फ वेल्डर के बारे में दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमारे जो एक व्यूअर हैं उन्होंने कमेंट किया कि सर वेल्डर के बारे में कंप्लीट डिस्कस एक बार कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों वेल्डर के बारे में बताऊंगा आपको, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बता दी थोड़ा आपको कि कौन कौन सी ट्रेड होती है। तो दोस्तों वेल्डर ट्रेड यहाँ से शुरू करते हैं। वेल्डर, ठीक है। तो वेल्डर ट्रेड में दोस्तों क्या क्या होता है, दोस्तों वेल्डर ट्रेड जो है सबसे पहले ये तो 1 ईयर का ट्रेड है, ठीक है। इसको दोस्तों 1 ईयर का ट्रेड है, और 1 ईयर करने के बाद आपकी आईटीआई खत्म हो जाती है, फिर आप जाके एआईटीटी कर सकते हैं। एआईटीटी मतलब दोस्तों अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, और अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप सीआईटीएस या सीटीआई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आप कर सकते हैं, आपका टाइम भी इसमें जो है बच जाता है, ठीक है। सीआईटीएस या सीटीआई बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपके 3 साल में जो है ये कंप्लीट हो जाते हैं, अगर आपकी कंपार्टमेंट या फेल आप नहीं होते हैं तब, ठीक है। और दोस्तों इसमें आपके 2 ईयर में फिर 2 ईयर आपका ये होगा, फिर 1 ईयर AITT होगा, फिर आप CITS CTI करना चाहते हैं तो वो होगा, फिर दोस्तों आगे दोस्तों उम्र वगैरह जो आप देख सकते हैं, अगर आप +2 बेस पे हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी उम्र हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों आपको जल्दी से जॉब लेना है, अगर आपने ये 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपके लिए दोस्तों वेल्डर 1 ईयर की आपकी ट्रेड होगी, फिर आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं या फिर CTI कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आगे मैं बताना चाहता हूं कि NCBT ट्रेड लेने का हमें क्या फ़ायदा होता है,
तो दोस्तों एनसीवीटी जो है, एनसीवीटी के अगर आपने आईटीआई कर रखी है, एनसीवीटी से आपने आईटीआई कर रखी है, चाहे कोई भी ट्रेड हो दोस्तों, आप सीटीआई में, सीआईटीएस में, सीटीआई सीआईटीएस दोस्तों एक ही होता है, आप डायरेक्ट दोस्तों आप जो है एग्ज़ाम दे के, एक दोस्तों हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आप दोस्तों सीधा सीआईटीएस कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास जो है मास्टर की डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बेस पे दोस्तों आप जो है अपने प्राइवेट आईटीआई में पढ़ा सकते हैं, और दोस्तों कहीं भी आप जाके टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास सीआईटीएस की डिग्री आ जाती है तो ठीक दोस्तों, आपको जो चेयर वाली जॉब है वो मिल जाएगी, ठीक है, अगर आप अच्छा पढ़ाना जानते हैं तो। क्योंकि दोस्तों आपका इंटरव्यू भी होगा, प्राइवेट आईटीआई में जाए या गवर्नमेंट आईटीआई में जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें, आगे चलते हैं इसमें। मैं वैल्यू ट्रेड बताता हूँ, सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होंगे आपके 1 ईयर की ट्रेड में। दोस्तों आप जानते होंगे वेल्डर एक मैकेनिकल ट्रेड है, इंजीनियरिंग ट्रेड है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपके सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट दोस्तों इसमें आपके चार होंगे। पहला हमारा होता है वेल्डर, वेल्डर ट्रेड थ्योरी, ठीक है। दूसरा हमारा होगा दोस्तों वेल्डर प्रैक्टिकल, जिसमें दोस्तों आपकी प्रैक्टिकल, जैसे कि कैसे पीस काटें और क्या क्या करें, वो दोस्तों प्रैक्टिकल होता है हमारा। एक आपका दोस्तों होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसे दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में हम ईडी भी बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपके हो जाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बाद आपका होगा ईएस, जिसे बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसे दोस्तों ईएस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों आपका ये हो जाता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसे दोस्तों हम बोलते हैं WCS, ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस शॉर्ट फॉर्म में WCS बोलते हैं। आगे दोस्तों अगर आपकी आईटीआई अच्छी है तो आपको कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट और लगवाते हैं, ठीक है, वो आपको कंप्यूटर भी सिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका आपका एग्ज़ाम नहीं होता, तो कंप्यूटर हम अगर आपकी आईटीआई अच्छी है तो कंप्यूटर सिखा सकते हैं, वरना दोस्तों आपकी ये चार पांच ट्रेड पांच सब्जेक्ट तो होंगे ही होंगे, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं, आपको बता देता हूँ कितने कितने मार्क्स के जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वेल्डर आपके ट्रेड थ्योरी जो है, वेल्डर ट्रेड थ्योरी जो आपका आएगा दोस्तों, ये आपका 150 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और दोस्तों आपके जो सेशनल मार्क्स कौन देते हैं दोस्तों, जो आपके टीचर हैं, आपके दोस्तों पूरे ईयर की परफॉर्मेंस देखेंगे कि बच्चा शरारती था, शोर करता था, लड़ाई झगड़े करता था, उस बेस पे आपको नंबर दिए जाएंगे, जो दोस्तों 20 में से होंगे, ठीक है। आगे दोस्तों इसके साथ ये हमारा पेपर फर्स्ट होता है, ठीक है, पेपर दोस्तों कैटेगरी वाइज डिवाइड होता है। तो पेपर फर्स्ट में एक सब्जेक्ट और आपका ऐड होता है, जिसे बोलते हैं ES, जो दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया फुल फॉर्म एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ठीक है। तो ES का पेपर जो होता है दोस्तों वो 50 नंबर का होता है, तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 220, ठीक है दोस्तों, 220 नंबर का आपका टोटल एग्ज़ाम होगा पेपर फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको नंबर चाहिए जो है 40% आपको मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 40% जो मार्क्स चाहिए, किस लिए चाहिए दोस्तों, पासिंग मार्क्स है इतना, ये पासिंग मार्क्स है आपका, मार्क्स पासिंग, ठीक है। दोस्तों 220 का 40% आपको हो जाता है 88, तो 88 जो नंबर चाहिए आपको, 88 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आप जो है 88 नंबर तो मेरे हिसाब से आराम से ले ही लेंगे, ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो। आगे दोस्तों चलते हैं पेपर सेकंड के ऊपर, पेपर सेकंड हमारा क्या होता है वो जानेंगे। पेपर सेकंड, ठीक दोस्तों, इसमें ही ज़्यादा बच्चों की दोस्तों कंपार्टमेंट आने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों आप इन सब्जेक्ट को बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है।
दोस्तों पेपर सेकंड में होता है हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ठीक है, जो आपको आता है 75 नंबर का, ठीक है। और आपको दोस्तों सेशनल मार्क्स जो इसमें मिलते हैं, सेशनल मार्क्स आपको मिलते हैं जिसमें 10 नंबर मिलते हैं, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 85। और दोस्तों पेपर सेकंड में हमारा ईडी का पेपर भी होता है जिसे बोलते हैं हम इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो दोस्तों आपका ये भी 75 नंबर का आता है, पर दोस्तों इसमें सेशनल मार्क्स जो जुड़ते हैं हमारे वो दोस्तों हमारे 20 नंबर जुड़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके हो जाएंगे ये दोनों मिला के 95, और दोस्तों 85 और 95 दोनों मिला के आपके हो जाएंगे दोस्तों कितना हो गया हमारा 5, 5, 10, 9, 180 नंबर आपके हो गए, ठीक है, 180 मार्क्स आपके टोटल हो गए पेपर सेकंड में। और दोस्तों इसमें भी आपको जो चाहिए 40% आपको चाहिए पास होने के लिए, दोस्तों 180 का 40% आपको हो गया 72 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप इसमें भी पास हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप इन दो सब्जेक्टों का खास करके ध्यान रखेंगे दोस्तों, इन सब्जेक्टों में ही जो है कंपार्टमेंट जो बच्चों की आ जाती है, ठीक है। और दोस्तों आपका जो पेपर थर्ड होता है तो वो भी आपका मेन है, लेकिन दोस्तों उसमें ज़्यादातर जो है पास हो जाते हैं बच्चे जो अगर रेगुलर करते हैं तो, ठीक है। अगर दोस्तों आप ओपन से कर रहे हैं तो आप बड़े ही ध्यान से ये भी देख लीजिएगा आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है, पेपर का थर्ड जो होता है दोस्तों वो प्रैक्टिकल होता है, जिसमें दोस्तों आपको जो भी आपने प्रैक्टिकल किया है उसके बेस पे भी नंबर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों जो प्रैक्टिकल का आपका एग्ज़ाम होता है वो कितने का होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वो दोस्तों आपका होता है 270 नंबर का, ठीक है। और दोस्तों आपको जिसमें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए दोस्तों, इसमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए आपको इसमें 270 में। दोस्तों इसमें सेशनल मार्क्स भी जुड़ेंगे हमारे, तो सेशनल भी मिला देते हैं इसमें, सेशनल आपके इसमें जुड़ते हैं 30 नंबर के, तो 270 और 30 दोस्तों 300 हो गए। और दोस्तों इसमें पासिंग मार्क्स आपको चाहिए कम से कम 60%, ठीक है दोस्तों। ये डेटा है 2021-22 का, ठीक है, तो 60% चाहिए आपको पास होने के लिए, तो इसको आप करेंगे इसका 60% तो 180 आ जाएगा, तो 180 मार्क्स जो है आपको चाहिए टोटल पास होने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आप देख लीजिएगा पेपर तीन हो गए आपके, तो अगर आपके इसमें 88 नंबर आते हैं, ठीक है, पेपर फर्स्ट में, तो आप पास हो जाएंगे। पेपर सेकंड में अगर 72 नंबर आते हैं तो आपके पास हो जाएंगे। और पेपर जो थर्ड में आपके दोस्तों 180 मार्क्स आते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये पासिंग परसेंटेज है दोस्तों, सो पासिंग नंबर है ये। आप चाहें तो इससे बढ़िया भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप बहुत ही जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है, कि आपके परसेंटेज जो है 80 से नीचे ना आए, ठीक है दोस्तों। और भी वीडियो हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को सिंपल सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।